शेयर करूंगी विंटर वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन। अब ये विंटर वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन क्या है, विंटर में क्यों वार्डरोब को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्योंकि वूलन्स के लिए स्पेस क्रिएट करना है। सिंपल, नॉर्मली हम लोगों के पास जो वार्डरोब रहते हैं उसमें उतना ज्यादा स्पेस नहीं होता है इन कंपैरिजन टू आवर क्लोथ्स, क्योंकि इम्पल्स शॉपिंग तो हम सब करते हैं। नॉर्मली वूलन्स हम लोग स्टोर करते हैं बेड बॉक्स में या तो दूसरे कोई जगह पे, लेकिन विंटर में वूलन्स को भी वार्डरोब के अंदर ही स्टोर करना है इजी एक्सेस के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे आप वार्डरोब में वूलन्स के लिए स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही इफेक्टिव वे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन क्लीनिंग डीआईवाई एंड शॉपिंग रिलेटेड वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब हैप्पी होम मेकिंग, और अगर सब्सक्राइब किया है तो प्लीज क्लिक द बेल आइकन ताकि मेरा कोई भी न्यू अपलोड मिस ना करें। लास्ट वीडियो मैंने शेयर की थी, आई होप आप लोगों ने उसको देखा है, अगर नहीं देखा है तो मैं बोल दूं कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन वीडियो था। ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लासेस अभी तो हम लोग का लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, तो अगर आप एक रेंटल सेटअप में रहते हैं और आपके बच्चे के पास एक प्रॉपर स्टडी टेबल नहीं है तो आपका बच्चे के लिए एक ऑर्गेनाइज सेटअप ऑनलाइन क्लासेस के लिए कैसे बनाए उसके ऊपर वो वीडियो बेस्ट थी। तो अगर आपको वीडियो नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप जरूर चेक कर सकते हैं। नाउ लेट्स जंप इनटू टुडेज वीडियो। समर में हम लोग नॉर्मली वो सब क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं जो कि बहुत सॉफ्ट कंफर्टेबल हो, जिसका फिटिंग एकदम परफेक्ट हो, जो पहन के मिरर के सामने खड़े होने के बाद आपको लगे वाह मैं क्या लग रही हूँ। लेकिन इम्पल्स शॉपिंग तो हम सब करते हैं, तो वार्डरोब में ऐसे भी क्लोथ्स हैं जिसका मटेरियल अच्छा नहीं है, जिसका फिटिंग अच्छा नहीं है, जो थोड़ा सा टाइट हो गया है, जिससे पहनने में अच्छा नहीं लग रहा है। जस्ट डिवाइड ऑल ऑफ योर क्लोथ्स इनटू टू पार्ट्स, समर क्लोथ्स एंड विंटर क्लोथ्स। समर क्लोथ्स जो कि कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा है, वेल फिटेड है, उसको अभी नहीं पहनेंगे हम लोग, और जो कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल क्लोथ्स है उस टाइप के क्लोथ्स को हम लोग अभी विंटर में पहनेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग तैयारी करेंगे, क्लोथ्स के ऊपर स्वेटर पहनेंगे, जैकेट पहनेंगे, बहुत सुंदर सुंदर स्कार्फ पहनेंगे, तो एक लेयर क्रिएट होगा, आपका जो अनकंफर्टेबल क्लोथ है वो हाइड हो जाएगा, लेकिन आपका क्लोथ यूटिलाइज भी हो जाएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि ये सब रख के मैं क्या करूंगी। और इस सब के पीछे जो मेन रीजन है वो है आपका वार्डरोब में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना। तो इसलिए सबसे पहले सभी क्लोथ्स वार्डरोब से बाहर निकालना पड़ेगा, ये थोड़ा सा हेक्टिक जॉब है लेकिन ये करना पड़ेगा। उसके बाद क्लोथ्स को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, एक पार्ट में रखेंगे जो भी बहुत कंफर्टेबल क्लोथ्स है और दूसरे पार्ट में रखेंगे जो कोट अनकोट उतना पसंद नहीं है टाइप का क्लोथ्स। तो मैं भी वही किया है, इस साइड में मैं जो भी क्लोथ्स जो भी कुर्तीज रखी हूँ ये बहुत कंफर्टेबल है, इसका मटेरियल अच्छा है, फिटिंग्स अच्छा है, ये कुर्ता मुझे पसंद है। समर के टाइम मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये कुर्तीज पहनती हूँ, तो मैं इसको अभी वार्डरोब से निकाल दूंगी। और इधर मैंने जो कुर्तियाँ रखी है इसका मटेरियल उतना कंफर्टेबल नहीं है, ये डेनिम का है, थोड़ा सा मोटा मटेरियल है, ये चंदेरी का है, इतना कंफर्टेबल मटेरियल नहीं है। और इस टाइप का जो कॉप स्लीव्स कुर्तीज़ होते हैं मुझे वो अभी पसंद नहीं आ रहा है, तो इसे भी मैं विंटर के लिए रख दूंगी। जो कुर्तीज़ थोड़ा सा पुराना हो गई है उसको मैं यूज़ करूंगी। ऐसे जो गिफ्ट में मिलने वाले कुर्तीज़ होते हैं जिसका डिज़ाइन कभी कभार पसंद नहीं होते हैं, तो वो भी विंटर में मैं पहन लूंगी। उसी तरीके से मैंने टॉप्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, कम्फर्टेबल एंड अनकम्फर्टेबल। अभी बॉटम के बारे में बात करते हैं, तो समर्स में हम लोग बहुत सारे बॉटम यूज़ करते हैं, लाइक प्लाजो स्कर्ट, एथनिक पैंट्स, लेगिंग्स, जीन्स। मुझे पर्सनली प्लाजोस बहुत पसंद है समर में पहनने के लिए, इसका जो फ्लोई एक फ्लेयर कट है, फ्लोई जो इसका फीचर्स है वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत कंफर्टेबल लगता है मुझे, मेरे पास बहुत सारा है और मुझे बहुत पसंद भी है। स्कर्ट भी मैं पहनती हूँ, नॉर्मली समर में मैं प्लाजोस और स्कर्ट पहनती हूँ, लेकिन विंटर में मुझे ये दोनों चीज़ एकदम पसंद नहीं है। विंटर में मैं पहनती हूँ सिगरेट पैंट, लेगिंग्स और जीन्स। तो ये सारी क्लोथ्स जो है ये मेरा विंटर क्लोथ्स है, ये वूलन्स नहीं है, लेकिन मैं क्लोथ्स के हिसाब से विंटर में ये सब पहनती हूँ, ये कुर्तीज, टॉप्स, जीन्स, लेगिंग्स एंड एथनिक पैंट्स। तो इसको मैं अब वार्डरोब में ऑर्गेनाइज करूंगी।
साड़ी मैं उतना डे टू डे लाइफ में नहीं पहनती हूँ, लेकिन फिर भी अगर जस्ट इन केस कोई भी सिचुएशन ऐसा हो कि साड़ी पहनना ही है, इसलिए मैंने दो चार साड़ी हैंडी रखती हूँ वार्डरोब में। अब विंटर में मैं तो उससे भी ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, इसलिए दो साड़ी मैं पेटीकोट और ब्लाउज के साथ वार्डरोब में रखना पसंद करती हूँ। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑर्गेनाइजर की तो ज़रूरत है, बास्केट ऑर्गेनाइजर है, दो मल्टी लेयर हैंगर्स है, और टॉप्स और जैकेट वगैरह के लिए मैं एक नॉर्मल हैंगर यूज़ करूँगी। तो नॉर्मली विंटर के लिए मैं जो जो यूज़ करूँगी उसको मैं हैंग कर लिया। इधर मैंने टॉप्स हैंग कर लिया, एक मल्टी लेयर हैंगर में कुर्तीज हैंग कर लिया, दूसरे में एक एथनिक पैंट्स जो है उसको हैंग कर लिया, और एक हैंगर में मैंने लेगिंग्स हैंग करके रखी हूँ। और जैसा कि मैंने बोल रही थी, दो साड़ीज भी मैंने हैंग करके रखी है जस्ट इन केस कभी ज़रूरत पड़ जाए इसलिए। अभी ये सब हैंग करने के बाद भी इतना सारा स्पेस, हैंगिंग स्पेस निकल के आया है वूलन रखने के लिए। तो अभी देखते हैं ये जो हैंगिंग स्पेस है इसका नीचे वाला जो पोर्शन है, जो रैक है, उसमें मैं क्या ऑर्गेनाइज करके नॉर्मली रखती हूँ। तो दो बैग रखती हूँ, एक स्लिंग बैग और एक नॉर्मल बैग जो कि मैं डे टू डे यूज़ करती हूँ। एक बास्केट में रखती हूँ दो ओकेशनल वेयर वॉच, इसमें रखती हूँ जीन्स, और इस बास्केट में मैं रखती हूँ न्यू हैंकीज एंड न्यू इनर वेयर्स। नीचे जो रैक है उसमें मैंने जो भी रखती हूँ बास्केट में ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो इधर मैं नॉर्मली रखती हूँ मेरा डेली वेयर मार्केट जाने वाली कुर्तियाँ, जो कि एकदम नॉर्मल कुर्तियाँ होती है। तो मैंने इसको ऐसे रखा है कि सामने वाला बास्केट को कूल करने से पीछे वाला जो बास्केट है वो भी ईजिली बाहर आ जाए। ये मैंने कैसे किया इसके ऊपर एक फुल वीडियो है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। और इस बास्केट में जो खाली वाला है उसमें रखती हूँ मैं प्लाजो, जो कि मैंने अभी हटा दिया, और पीछे में रखती है सब दुपट्टा और समर श्रग। तो अभी ये दो बास्केट जो है इसको मैं हटा दूंगी क्योंकि इसका जरूरत अभी नहीं है। और ये जो बास्केट है इसके अंदर मैं मेरे बच्चे का सीजनल क्लोथ रखती हूँ, जो कि वो घर में पहनते हैं, समर के टाइम विंटर क्लोथ और विंटर के टाइम समर क्लोथ। तो ये बास्केट इधर एज इट इज रहेगा, इसको मैं नहीं हटाऊंगी। लास्ट जो रैक है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो एक पार्ट में मैं रखती हूँ मेरा ओकेशनल एंड न्यू क्लोथ्स, और दूसरे पार्ट में मेरा जो भी बैग्स है वो सब मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो अभी उलन्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सबसे पहले जहाँ उलन स्टोर करती हूँ मैं, वहाँ से मैं उसको निकाल लूँगी। मैं वैक्यूम बैग यूज़ करती हूँ उलन स्टोर करने के लिए। और उसके बाद ये सब उलन स्वेटर वगैरह जो भी है उसको मैं हाफ एन आवर से 1 आवर तक कड़ी धूप में रखूंगी ताकि वो एकदम फ्रेश हो जाए। तो चलिए अभी इसको भी अरेंज कर लेते हैं। तो ये मेरा विंटर वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गया। अभी सब कुछ थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने दो जैकेट हैंग करके रखा है, दो हुडी और दो स्वेटशर्ट्स। ये मेरी विंटर की रेगुलर वेयर है तो मैंने इसे हैंग करके रखा है। भुवनेश्वर का विंटर उतना चिलिंग नहीं होती है तो इसलिए इतना मेरे लिए काफी है। तो उसके बाद मैंने रखा है मेरा टॉप्स, मल्टी लेयर हैंगर में मैंने हैंग किया है कुर्तीज, उसके बाद एथनिक पैंट्स एंड लेगिंग्स एंड दो साड़ी। तो वार्डरोब का जो हैंगिंग स्पेस था वो ऑर्गेनाइज हो चुका है। अभी इसका नीचे जो थोड़ा सा खाली स्पेस बचता है उसमें मैंने रखा है मेरा एक डे टू डे यूज बैग, और ये स्पेस मैंने खाली छोड़ दिया। इधर मैंने रखा है मेरा सॉक्स, और उसके बाद इस बास्केट में मैंने रखा है वो ऑकेशनल वेयर वॉचेस, एंड इसमें रखा है न्यू हैंकीज एंड इनर वेयर्स। ये जैसे पहले था वैसे ही है, मैं सिर्फ ये सॉक्स का जो बास्केट है उसको ऐड किया है। नीचे का जो रैक है जो खाली किया था मैंने, उसमें मैंने रखा है मेरा स्वेटर्स। अभी स्वेटर मुझे हैंग करना पसंद नहीं है, उसे कोई भी बास्केट के अंदर रखना भी मुझे पसंद नहीं है, मुझे लगता है कि उससे वो डिशेप्ट हो जाते हैं, तो मैंने इसलिए उसका ऐसे रखा है। और इधर रखा है मेरा स्टोल, मफलर, पोंचू, ये सब। स्वेटर के मामले में मैं बहुत ज़्यादा मिनिमलिस्ट हूँ क्योंकि भुवनेश्वर में उतना
ठंडा नहीं होती है, तो इसलिए मैं स्वेटर ज़्यादा मतलब खरीद के नहीं रखा है। तो ये जो है ये मेरे लिए काफ़ी है, स्वेटर से, जैकेट है, श्राग है, कोट से, सब है, लेकिन सब एक दो करते हैं, तो ये मेरे लिए काफ़ी है। और इधर इस बास्केट में मैं रखती हूँ मेरा जीन्स, और पीछे वाली जो बास्केट है उसमें रखती हूँ मेरा जो नॉर्मल मार्केट जाने वाली कुर्तीज होती है वो। और लास्ट जो रैक था वो सेम ही है, एक पार्ट में मैं रखती हूँ मेरा न्यू एंड ऑफिशियल वेयर ड्रेसेस एंड कुर्तीज वगैरह, और दूसरे पार्ट में मेरा बैग्स ऑर्गेनाइज रहता है। तो दिस इज प्रीटी मच अबाउट माई विंटर वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन। एवरीडे यूज जो स्लिंग बैग है उसे मैं डोर पे हैंग करके रखती हूँ, और दूसरे डोर पे मैं एक ऑर्गेनाइजर हैंग करके रखती हूँ जो कि मैंने ओल्ड बेडशीट से बनाया था। तो इसके अंदर मैंने मेरा जो क्लचेस है उसको ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, एक दो हैंकीज रख देती हूँ तो थोड़ा हैंडी होता है। तो ये ऑर्गेनाइजर मैंने कैसे बनाया इसके ऊपर फुल ट्यूटोरियल है मेरे चैनल पर, अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और जो समर क्लोज मैंने वार्डरोब से बाहर निकल के रखा था उसको स्टोर करने के लिए मैं यूज़ करूँगी इस टाइप के साड़ी बैग्स। इसके अंदर जो भी कुर्तीज, प्लाजो, साड़ी मैंने बाहर निकल के रखे थे वो मैं इसके अंदर स्टोर करूँगी। दूसरे बैग में मैं रखूंगी स्कर्ट, टॉप्स, दुपट्टा, शामा स्ट्रैप और जो एक्स्ट्रा हैंगर्स है उसको भी मैं ये बैग के अंदर स्टोर करके रखूंगी। तो ये जो दो बैग रेडी हुआ है इसको मैं भी स्टोर करूंगी जहां मैं उलन स्टोर करती हूँ वो सेम स्पेस में। तो मेरा विंटर वार्डरोब एकदम ऑर्गेनाइज्ड एंड रेडी है। Thanks for watching this video. If you like the ideas, then please give it a big thumbs up and don't forget to comment and share. You can also check out other videos available on my channels. Link are in the description box. I will see you with a new video on next Sunday. Till then, take care and bye-bye.